हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आप में से काफ़ी लोग हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर्स क्यों मना करते हैं बच्चों को बॉटल्स देने से। मैं आपको बता दूं कि वाइल इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट टॉप मोस्ट रीज़न ये है कि काफ़ी पेरेंट्स बॉटल्स को ठीक से क्लीन करने का तरीका नहीं जानते हैं और उसी चक्कर में अनक्लीन बॉटल्स बेबीज़ को दे देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को स्टमक इन्फेक्शन या किसी और तरह का इन्फेक्शन हो जाता है। हम अपने बेबी के साथ बॉटल बहुत ही अर्ली एज से यूज़ कर रहे हैं। अबाउट 2 मंथ से हमने बेबी को बॉटल इंट्रोड्यूस कर दी थी, ऑल्दो हम उसे ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा देते थे बॉटल के थ्रू, बट आज तक हमें कभी भी बॉटल की क्लेनलीनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो इस वीडियो में हम आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। वेलकम टू मॉमकॉम इंडिया। जब आप अपने बेबी के लिए बॉटल खरीदते हो तो आपको काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हमने इस पे एक डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है, 5 things to know, मतलब क्या 5 चीजें आपको जाननी चाहिए बॉटल के बारे में, जिसका लिंक हम इस वीडियो के एंड में भी डाल देंगे, तो डिटेल के लिए आप वो वीडियो देखो। बट एक चीज, जब आपने अपने बेबी को बॉटल इंट्रोड्यूस कर दी, चाहे आप पहले दिन पे करो, चाहे आप 1 महीने बाद करो, 1 साल बाद करो, जब भी, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप अपने बेबी को बॉटल फीड दे रहे हो तो वो बॉटल जो है वो एब्सोल्युटली क्लीन, साफ और स्टेरिलाइज्ड होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चों को बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। अब मैं समझ सकती हूँ कि स्टेरिलाइज कैसे करें ये सबको नहीं पता होता है, और हमने भी इसे सीखा ही है। राइट इक्विपमेंट भी चाहिए होता है स्टेरिलाइजेशन के लिए, और ये भी ध्यान रखना होता है कि जब स्टेरिलाइज हो जाए तो जब तक बेबी उस बॉटल को यूज़ नहीं कर रहा है, हम कैसे उसे एक क्लीन जगह पर या एक क्लीन तरीके से रखें, क्योंकि हो सकता है कि जैसे ही आपने बॉटल स्टेरिलाइज करी, इमिजिएटली बेबी ने नहीं यूज़ करी। हमने जब बॉटल्स ली थी तो हमने स्टार्ट किया था डॉक्टर ब्राउन बॉटल्स से, और उसके साथ ही, जैसे ही हमने बॉटल ली, उसके साथ जो एक चीज़ हमारे घर में आई वो था फिलिप्स एवेंट का बॉटल स्टेरिलाइज़र, बिकॉज़ ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। अगर बॉटल देंगे तो उसे स्टेरिलाइज भी करना पड़ेगा। हमने हमेशा से 6 बॉटल्स की क्वांटिटी को मेंटेन किया है एक दिन में, और हम क्या करते हैं कि पूरा दिन यूज़ होने के बाद डे एंड पे जब 6 की 6 बॉटल्स बिल्कुल यूज़ हो जाती हैं तो उसको एक ही बार स्टेरिलाइज कर देते हैं। हर फीड के बाद हम बॉटल को वॉश ज़रूर करके रख लेते हैं ताकि उस पर दूध रह ना जाए, क्योंकि इतनी देर तक अगर दूध रह जाएगा तो उस पर बैक्टीरिया ग्रो करके बॉटल को भी ख़राब करता है, और बॉटल पे रह जाने के चांसेस भी होते हैं। तो हर फीड के बाद हम उसे सिर्फ वॉश कर लेते हैं, बट जो स्टेरिलाइजेशन, जो डीप क्लीनिंग प्रोसेस है बॉटल्स का, वो हम दिन में एक बार करते हैं यूजिंग आर फिलिप्स एवन स्टेरिलाइजर। इस वीडियो में हम आपको अब वो डिटेल में प्रोसेस दिखाने वाले हैं। ये है हमारी 5 बॉटल्स जो दिन में बेबी ने फीड के लिए यूज़ करी थी। इन बॉटल्स को मैंने सिर्फ पानी से धो के एक एक पार्ट को निकाला, पानी से सिर्फ हल्का सा धोया और इसमें पानी भर के रख दिया है ताकि कोई भी मिल्क का जो स्टेन रह गया हो वो यहाँ पे चिपक नहीं जाए। अब मैं इसको अच्छे से धो के स्टेरिलाइजर में डाल दूंगी। क्लीनिंग प्रोसेस के लिए मैं सबसे पहले बिछाऊंगी यहाँ पे एक क्लीन टॉवल, जिसपे मैं एक एक धुला हुआ पार्ट रखूंगी, और ये मैं यूज करूंगी एक बॉटल क्लीनर। यहाँ पे मैंने पानी ऑलरेडी गर्म कर लिया है, क्योंकि गर्म पानी में बॉटल अच्छे से वॉश होती है, और बेसिन को भी क्लीन कर लिया है। अब मैं अपनी बॉटल लूंगी, इसके सारे पार्ट्स को खोल दूंगी और धोना शुरू करूंगी। ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने हाथ अच्छे से डिटॉल से धो लिए थे। निप्पल को क्लीन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेबी के मुंह में यही जाता है और इसी से सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कैच होने के चांसेस होते हैं। तो ये देखिए, मेरी 5 बॉटल्स का एक एक पार्ट मैंने अच्छे से गर्म पानी में और बॉटल क्लीनर से प्लस अपने बिल्कुल साफ हाथों से धो लिया है,
मैं आपको एक जरूरी बात यहाँ पे ये बताऊंगी कि हम ये पिजन का लिक्विड क्लीनर, ये स्पेशली बेबी बॉटल्स, बेबी के जितनी भी इक्विपमेंट होता है उन सब के लिए ही यूज होता है, ये हम यूज करते हैं, बट हम हफ्ते में सिर्फ 2 बार इसे बॉटल क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। एवरी डे इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बच्चों की बॉटल्स इससे नहीं धोना चाहिए। तो अगर आप हफ्ते में 2 बार भी ये यूज कर रहे हो तो आपकी बॉटल्स ठीक रहेंगी, बाकी जो सारी क्लीनिंग है वो स्टेरिलाइजेशन जो है उसको कर लेता है। तो मैंने अपने बहुत वीडियोस में बताया कि हम कौन सा स्टेरिलाइजर यूज कर रहे हैं। हम फिलिप्स एवेंट का स्टेरिलाइजर day 1 से यूज कर रहे हैं। पहले हम डॉक्टर ब्राउन बॉटल यूज करते थे, वो भी इसमें इजीली स्टेरिलाइज हो जाती थी, अब हम फिलिप्स एवेंट करते हैं तो वो भी इजीली हो जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे करते हैं। मैंने इसको जहां स्टेरिलाइजर पड़ा होता है वहां से उठा के मैं इसे अंदर ले आई हूँ, पोर्टेबल है ये। सबसे पहले मैं इसका ये जो अपर बास्केट है ये निकाल लूंगी और जो बेबी के निप्पल्स हैं उनको मैं इस पे रख दूंगी। निपल्स के साथ जो कैप है उसको मैं निपल के ऊपर ही रख दूंगी। तो ये मेरे 5 निपल्स और 5 कैप्स यहां पे फिट हो गए हैं। अब जो ये बड़ी बास्केट है इसमें मैं बॉटल्स को रखना शुरू करूंगी। 1, 2, 3, 4 और 5 बॉटल्स मेरी जो है इजीली आ गई हैं। अब ये जो मेरे रिंग्स बचे हैं इनको मैं इकट्ठा करके बॉटल्स में नीचे डाल दूंगी। तो ये देखिए, ये मेरा बड़ा बास्केट है जिसमें बॉटल और रिंग आ गए हैं और इसके ऊपर जाएगा ये छोटा बास्केट जिसमें इजीली मेरा जो है निप्पल और कैप आ गया है। अब ये अच्छे से बंद भी हो गया है, 5 बॉटल्स का पूरा सामान इसमें इजीली आ गया और इसको अब मैं बंद कर दूंगी। तो ये स्टेरिलाइजर का बेस है जिसमें हम सबसे पहले पानी डालेंगे। आप ये जो लेवल दिया हुआ है हमेशा इंश्योर करो कि इस लेवल से ऊपर पानी होना चाहिए, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में पानी जो है वो सूख जाता है और फिर बॉटल ठीक से स्टेरिलाइज नहीं हो पाती। तो ये देखो मैंने ऊपर पानी रखा है ताकि थोड़ा ज़्यादा पानी हो बॉटल स्टेरिलाइजेशन के लिए। तो ये हमारी स्टेरिलाइजिंग बकेट जो बिल्कुल रेडी है सारे सामान के साथ। अब मैं इसको लूँगी और ये जो पानी यहाँ भरा है इस बॉटम के ऊपर रख दूंगी। मैंने ऑलरेडी प्लग लगाया हुआ है, स्विच ऑन है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे एक बटन का साइन दिया हुआ है, लाइट का साइन है और ये 2 बटन बने हुए हैं, ये स्टार्ट बटन है और ये स्टॉप बटन है। अब मैं जाके इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दूंगी। जैसे ही स्टार्ट करूंगी रेड लाइट जल जाएगी और जैसे ही स्टेरिलाइजेशन खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये लाइट ऑफ हो जाएगी, जो एक इंडिकेटर है कि बॉटल्स जो है अब स्टेरिलाइज हो चुकी हैं। जब तक आपका स्टेरिलाइजेशन चल रहा है आप एक क्लीन शीट ले लो और इसको अपने बेड पे आप ऐसे करके बिछा लो। जो बॉटल स्टेरिलाइज होके निकलेंगी उसको हम इमिजिएटली इस पे रख देंगे। तो जैसे कि आपने देखा स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस अब खत्म हो गया है, यहाँ पे लाइट बंद हो गई है जिसका मतलब बॉटल्स अब रेडी हैं। अब ट्रिक ये है कि इमिजिएटली, ऑल्दो ये बहुत ही गर्म होगा, आप 1 मिनट वेट करो और उसके बाद बॉटल्स को निकालना शुरू कर दो। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट वेट करने के बाद हम यहाँ पे सारा जो भी पार्ट्स हैं बॉटल के उसको शीट पे डाल रहे हैं। ये बहुत गर्म होगा तो आप ये बिल्कुल ध्यान से करो बिकॉज एकदम स्टीमिंग है, अभी भी धुआं निकल रहा होगा। तो अब ये देखिए, अब हम बॉटल लेंगे और इसको थोड़ा सा झाड़ देंगे ताकि जो भी एक्सेस पानी है वो सूख जाए। ये देखो जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी था वो सूख गया है, तो आपको इसमें अब कोई कपड़ा कोई टिश्यू पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए हर पार्ट को आप हल्के हल्के से झाड़ दीजिए। तो ये देखिए हमने एक एक पार्ट को अच्छी तरह से झाड़ दिया है ताकि जो भी उसमें एक्सेस पानी हो वो अपने आप ही निकल जाए। अगर आप लेट बॉटल्स को या बॉटल के पार्ट को निकालोगे स्टेरिलाइजर से तो ये पानी आपको निकालना मुश्किल होगा, जिस केस में आपको कोई क्लीन कपड़ा या टिश्यू यूज करना होगा जो रिकमेंडेड नहीं है। तो अब मैं बॉटल लगाना स्टार्ट कर रही हूँ, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए कि इसमें बहुत हल्के ड्रॉप्स ऑफ वाटर रह गए हैं, बट मैं कोई टिश्यू या क्लॉथ नहीं यूज करना चाहती हूँ, इतना ओके है। फिलिप्स एवेंट की बॉटल को लगाने की एक टेक्निक है, अगर आपके बॉटल की भी कोई टेक्निक है तो उसके अकॉर्डिंगली लगाइए। यहाँ पे मैं निप्पल को इस मार्क पे डाल रही हूँ, मैंने निप्पल लगा लिया है। अब मैं इसको बॉटल के ऊपर लगाऊंगी और मैं इसको कैप करके बंद कर दूंगी।
तो ये देखिए मैंने पांचों बॉटल्स को बिल्कुल रेडी करके रख दिया, एक एक पार्ट को लगा दिया और अब ये एयर टाइट हो गई हैं, बॉटल्स बिल्कुल बंद हैं। अब मैं फटाफट इसे एक क्लीन डार्क जगह पे रख दूंगी ताकि यहाँ पे मॉइस्चर इनको आके ना इफेक्ट करे। तो ये है हमारा ड्रॉअर जिसमें हम कबीर की फीडिंग बॉटल्स रखते हैं। यहाँ पे हमेशा हम एक क्लीन क्लॉथ बिछाते हैं और ड्रॉअर को भी क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं उसकी सारी बॉटल्स को अब रख दूंगी और इसको बंद कर दूंगी। जब भी मुझे बॉटल निकालनी हो तो मैं इसको खोल के एक बॉटल निकाल के उसका दूध रेडी कर लूंगी। आई होप आपको ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा। मैं एक्चुअली काफ़ी डर जाती हूँ जब कुछ पेरेंट्स आके पूछते हैं कि क्या बॉटल को धोना या क्या बॉटल को स्टेरलाइज करना ज़रूरी है, और मैं बहुत बड़ा येस लिखती हूँ कि हाँ ज़रूरी है। तो इसीलिए हमें लगा कि ये वीडियो आपको करके दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत ही नॉर्मल है कि काफ़ी पेरेंट्स को नहीं पता हो कि ये करना कैसे है। इंटेंट है कि करना चाहते हैं बट करना कैसे है ये नहीं पता। तो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू वो हेल्प मिल गई होगी। विद दैट सेड हम ये वीडियो एंड करते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं उसके लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाके उन्हें देख सकते हो। हमें फिलिप्स एवेंट स्टेरलाइजर यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट अब 1 साल होने वाला है और हमें बिल्कुल कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बहुत अच्छा चला है ये। तो ये डेफिनेटली हम रिकमेंड करेंगे किसी को भी जो स्टेरलाइजर लेना चाहते हैं। इनफैक्ट स्टेरलाइजर को कैसे क्लीन करते हैं उसके लिए भी ऑलरेडी मोमकॉम इंडिया पे एक वीडियो डला हुआ है, उसका लिंक भी हम वीडियो के एंड में डाल देंगे, तो आप उस पे क्लिक करके वो भी चेक कर सकते हो। प्लीज़ शेयर इट विद एज मेनी पेरेंट्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बॉटल एक ऐसी चीज़ है जो मैक्सिमम पेरेंट्स कभी ना कभी इंट्रोड्यूस करते ही हैं, एंड उन्हें पता होना चाहिए कि इस प्रोसेस को कैसे क्लीन और हाइजीनिकली मेंटेन रखें। विद दैट सेट वीडियो इज ओवर नाउ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द रेड बटन, लाल बटन नीचे दिया हुआ है उस पर अगर आप क्लिक करोगे और उसके साथ एक घंटी दी है, बेल आइकन दिया है उस पर क्लिक करोगे तो जितने भी हम वीडियो पोस्ट करते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको फटाफट आ जाएंगे, आप कुछ भी मिस नहीं करोगे। शेयर करो, लाइक करो और कॉमेंट ज़रूर करो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया।